स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में जब से सभी घर छोड़ कर गई है, सई की तबीयत पूरी तरह बिगड़ चुकी है और रजत ये बात जानता है कि सई की तबीयत सिर्फ और सिर्फ सभी की वजह से ही बिगड़ी है, क्योंकि वो सभी को बहुत मिस कर रही है। इसलिए रजत सई को सभी के पास ले जाएगा और उसको उसके पास ले जाकर छोड़ देगा। उसके बाद जब वो घर लौटेगा तब उसे सभी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहले तो माँ के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, जहाँ भाग्यश्री उससे पूछेगी कि तुमने सई को सभी के पास क्यों छोड़ा, तुम्हें पता है कि उस पर कैसे कैसे इल्ज़ाम है, उसे स्कूल से भी सस्पेंड कर दिया गया है, तो फिर तुमने ऐसी औरत के पास बच्ची को क्यों छोड़ा। उधर दूसरी ओर सभी की हालत भी बहुत ख़राब है। इसके पहले सभी सई से मिलने आई थी जब उसे पता चला था कि सई की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है, लेकिन तारा और सासू माँ ने उसे अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया। उसने लाख कोशिश की लेकिन तारा और उसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया और रजत ने ये सब देखा। इसलिए इसके बाद रजत ही अपनी तरफ से सई को सभी के पास छोड़ाया है, क्योंकि वो जानता है कि सभी ही उसका ख्याल रख सकती है और उसे ठीक कर सकती है। तारा भी रजत पर भड़कने लगती है, लेकिन रजत दोनों से कहता है कि आप लोग सभी के बारे में जो भी कहेंगे मैं चुपचाप सुनता रहूँगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं आप लोगों के मैटर में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन सही के ख्याल सिर्फ और सिर्फ सभी ही रख सकती है। रजत भी ये बात जान चुका है और यही बात वो अपनी माँ और बहन दोनों से कहता है। आने वाले एपिसोड्स में बहुत बड़ा धमाका भी होने वाला है, शायद जिगर की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इसलिए इस सीरियल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें।